हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में कुछ अलग, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ सीपीएल फिल्टर। सीपीएल फिल्टर के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, दिस इज द काइंड ऑफ फिल्टर विच रिड्यूसेस द रिफ्लेक्शंस। फोन के लिए मैंने मंगाया है। सो राइट नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली अनबॉक्स दिस। दिखाता हूँ कहाँ से ये वेबसाइट है, स्काईविक करके वहाँ से आया है। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ ग्रेट फोटोग्राफर। उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई अगर आप फोन यूज करते हो ज्यादा फोटोग्राफी के लिए तो एक ये ले लो। DSLR वाला है मेरे पास एंड आई लव यूजिंग दैट। फोन के लिए चाहिए था मुझे। ऑल्दो आईफोन का जो कैमरा होता है, इट हैज गॉट अ रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो काफी हद तक रिफ्लेक्शंस को कम करता है, बट दिस शुड लाइक कम्प्लीटली एलिमिनेट देम। तो ये कैसी फोटोज लेता है, अभी मैं एक छोटी सी जगह पे जा भी रहा हूँ, आई ट्राई टेस्टिंग इट आउट, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। स्काईविक करके जो कंपनी आती है उसका है सिग्नी वन सीपीएल फिल्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है माई पॉकेट DSLR, यहाँ पे साइड में सेलोफेन पैकेजिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई पॉकेट DSLR, यहाँ पे प्राइस इसका 1500 रुपये के आसपास है, 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाता है, शिपिंग वगैरह मिला के 1200-1300 का पड़ता है एवरेज। ब्रांड नेम स्काईविक्स, मोबाइल होल्डर CPL, वन यूनिट, वेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, क्लीनिंग क्लॉथ पाउच वगैरह। अभी इसको अनबॉक्स करता हूँ, देखते हैं अनबॉक्स करने के बाद ये कैसा लगता है। ज़माना हो गया है भाई मिनी GT खरीदे हुए। जनरली मैं अपनी मिनी GTs को ऐसे अनबॉक्स करता हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई डू इज़ इस तरीके से साइड से सेलोफेन हटा देता हूँ। साइड से सेलोफेन हटाने के बाद यू कैन ओपन द बॉक्स। अच्छा, ये यहाँ से खुलता है, तो मिनी GT वाली ट्रिक इस पर काम नहीं करेगी, ये यहाँ से खुलता है। तो आई नीड टू ओपन द फुल सेलोफेन। यहाँ पे देखोगे इस टाइप का नज़र आता है, यहाँ से ये ओपन होगा। तो फर्स्ट आई नीड टू ओपन इट लाइक दिस, then I need to open it like this. This is what it looks like. Actually, it's pretty light. तो ये इधर उधर भाग रहा है। ये अपने एक कवर के साथ आता है। This is the cover and this is the lens itself. And it's actually pretty big. Wow, this looks nice. पीछे ये कहाँ फिट होगा? करने वाला होल बड़ा छोटा है। और आईफोन के कैमरे आजकल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो आई होप दिस वर्क्स आउट। अभी मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। सो सी राइट नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड इट। एक तो आईफोन में जो तीन कैमरे वाले आईफोन होते हैं उसमें ये भी एक दिक्कत होती है कि पहले आपको पिन पॉइंट करना पड़ता है कि इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल इट ऑन योर रियल कैमरा, मेन कैमरा, तो पहले मेन कैमरा ढूंढना पड़ता है। जैसे ये देखो, इसके सामने अगर मैं अपनी फिंगर ला रहा हूँ, दिस इज माई मेन कैमरा। इसके साइड में अगर मैं जूम करूँगा ना तो ये कैमरा शिफ्ट होगा, दिस इज द टेलीफोटो एंड दिस इज द वाइड एंगल। अब वाइड एंगल वाला पूरा छुपा हुआ है क्योंकि उसमें मेरा ये लेंस का सामने आ रहा है, बट अगर मैं नॉर्मल कैमरे पे आ जाता हूँ तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। अब ये ऐसा वियर्ड सा एंगल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी मेरे टेबल पे मेरी लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको एडजस्ट करके। ये देखो, जैसे जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, कैन यू सी रिफ्लेक्शन कम ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। सी नाउ दिस इज़ माई लैपटॉप स्क्रीन। अब मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा ना, कैन यू सी द लाइट चेंजिंग, रिफ्लेक्शन अलग अलग चेंज हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क। जैसे ये डार्केस्ट है तो दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट अ लुक आउट ऑफ इट। फोकस मैं कर देता हूँ, अभी देखो ये मैकबुक प्रो जहाँ लिखा है वहाँ पे इसने फोकस लिया। अभी मैं ऐसे करूँगा ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो गई, मैं ऐसे करूँगा कम हो गई। आई थिंक इट वर्क्स प्रीटी डिसेंटली। बाकी फिर मैं अभी इधर उधर कहीं जाता हूँ तो आई विल ट्राई टू टेक सम फोटोज़ विच विल बी एबल टू शो यू ज़्यादा अच्छे से कि किस तरीके से काम करता है। बट ओवरऑल आई थिंक इट लुक्स प्रीटी डिसेंट। बॉक्स के अंदर के बाकी के कंटेंट्स की बात कर लें तो देखो, ये इसका एक कैप मिल जाता है। कैप आप इस तरीके से फिट कर दो ऐसे, आई डोंट नो यार, बट इफ़ आई एम वेरी ऑनेस्ट, फील करने में इसकी क्वालिटी थोड़ी ना ऐसी ढीली सी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं फील हो रहा है, लाइक इट फील्स अ लिटिल प्लास्टिकी। और 1200-1500 रुपये अगर आप इस चीज़ के ले रहे हो तो थोड़ा इसको ज़्यादा प्रीमियम फील करना चाहिए था, दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। एक ये भी मिलता है, आई थिंक ये इसके पीछे वाले साइड के लिए है, ये वाला जो साइड होता है जिस जगह से आप क्लिप लगाते हो, इस जगह के लिए मेरे ख्याल से ये छोटा वाला कैप मिल जाता है आपको। यू गेट अ पाउच टू कीप इट, ताकि इसको जब आप कैरी करो तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह ना आए। एंड ऑल्सो यू गेट अ क्लीनिंग क्लॉथ, एक क्लीनिंग क्लॉथ भी मिल जाता है, ये माइक्रोफाइबर वाला काफ़ी अच्छे क्वालिटी का। छोटी सी अनबॉक्सिंग है, बेसिक परफॉर्मेंस टेस्ट, आई ट्राई टू डू मोर ऑफ इट, बट अभी के लिए आपको ये कैसा लगा? डू यू थिंक इट्स वर्थ इट? डू यू थिंक इट विल हेल्प माई डाईकास्ट शॉट्स? वो तो पता चलेगा धीरे से फोटोग्राफी करने के बाद। बट फॉर नाउ लेट मी नो वॉट डिड यू थिंक अबाउट इट। डू यू यूज दिस फिल्टर? डू यू लाइक यूजिंग दिस फिल्टर? एंड अभी तक जितना मैंने यूज़ किया है, आई थिंक इट्स डिसेंट क्वालिटी, इज प्रॉबली 70/100, नॉट द बेस्ट। फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस सीम्स टू बी डिसेंट। आउटडोर में और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो आई पोस्ट दोज रिजल्ट ऑल्सो, आई अटैच देम विद दिस वीडियो। थैंक यू।